हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ पूजा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। तो इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट करके आप जा सकते हो कोई भी पार्टी फंक्शन के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंडियन सा एक लुक है। तो आई होप कि आप सबको मेकअप पसंद आएगा। और इस वाले मेकअप के लिए मैंने जितने भी प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया है वो है NYBA का ही। तो ये वन ब्रांड मेकअप लुक होने वाला है जो है NYBA का। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा और मेकअप लुक भी और प्रोडक्ट्स भी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे एलोवेरा जेल जो है गुड वाइब्स का। तो इसे मैं अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करके फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। तो यहाँ पर मैंने दो प्राइमर यूज़ किया है जो है NYBA का। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये वाला प्राइमर और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई और आईलिड एरिया पे ये टिंटेड प्राइमर जो NYBA का ही है। ये न्यू लॉन्चेस में से है। उसके बाद अपने फेस के पिगमेंटेशन को हाइड कर लूँगी मैं कलर करेक्टर के हेल्प से, जो एक ऑरेंज करेक्टर है, और इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी फिंगर की हेल्प से। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये NYBA का कंसीलर स्टिक। तो इसे मैं अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर भी है NYBA का। फाउंडेशन के बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो ये है NYBA का लिक्विड कंसीलर। तो इसे मैं अच्छी तरह से अपने अंडर आई पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी जिस जिस जगह को मुझे हाईलाइट करना है या फिर मुझे ब्राइटन अप करना है। और इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसे मैं अच्छी तरह से अपने फेस पे मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो सेट हो जाए। उसके बाद फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला आई शेडो पैलेट जिसमें काफ़ी सारे ब्राउन शेड्स है। तो इन ब्राउन शेड को ही मैं यूज़ करूँगी अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए और इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फोरहेड पे, चिन पे, थोड़ा सा नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए भी और थोड़ा सा अपने चिक बोन पे भी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। यहाँ पर मैंने सेम आई शेडो पैलेट मैंने लिया है जिससे मैंने अपने फेस को कॉन्टोर किया था। तो उसमें से जो ब्राउन शेड है उन्हें मैं यूज़ करूँगी अपने क्रीज लाइन पे, आइज़ के और अपने आउटर वी पे। तो आप कोई भी ब्राउन शेड अपने पसंद का आप यूज़ कर सकते हो और इसे मैं अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूँगी एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। तो क्रीज लाइन के साथ मैं अपने लोअर लैश लाइन को भी थोड़ा सा स्मच कर लूँगी ब्राउन शेड के साथ। तो यहाँ पर एक बेज कलर का शेड था, थोड़ा सा हाइलाइटेड एक शेड, मतलब मैट शेड। तो इसे मैं अपने लिड पे मैं पैट करूँगी ताकि मेरा जो लिड है वो थोड़ा सा क्लीन लगे। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये गोल्डन कलर का एक शिमर शेड, इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने फिंगर की हेल्प से दोनों आइज़ पे। और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी ताकि सब कुछ सॉफ्ट हो जाए। देन अपने लोअर वाटर लाइन पर मैं अप्लाई करूँगी NYBA का काजल। तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल काजल है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी NYBA का लिक्विड लाइनर, लाइनर के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, हंड्रेड रुपीज़ में आप सबको ये मिल जाएगा। तो ब्लश के लिए मैं अप्लाई करूँगी NYBA का ब्लश। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर एक ब्लश है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ₹250 रुपीज़ में आप सबको ये मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा कम। तो इसे मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे ब्लश के लिए। उसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी सेम NYBA का हाइलाइटर। तो ये जो सारे जो प्रोडक्ट्स है ये न्यू लॉन्चेज में से है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर एक हाइलाइटर ये दे रहा है, मतलब फेस को हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे, मतलब एक्सेस प्रोडक्ट को मैं एब्जॉर्ब कर लूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ पर दो लिपस्टिक मैंने अप्लाई किया है, नंबर 12 और नंबर 14। देन मैं यहाँ पर लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। सो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और प्रोडक्ट्स भी और मेकअप लुक भी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी वीडियोस और भी ज़्यादा देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।